गुड इवनिंग मध्य प्रदेश में, नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं खबर टीवी न्यूज। चलिए हम बात करते हैं आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां पर उज्जैन शहर में 3 दिन तक रावण दहन होंगे। विजयदशमी पर बुराई के प्रतीक स्वरूप रावण के पुतले का दहन का मुख्य आयोजन कल दशहरा मैदान में किया गया। वहीं अलग अलग समिति शनिवार से सोमवार तक 3 दिन अलग अलग स्थानों पर रावण दहन करेंगे। इसके पहले रंगारंग आतिशबाजी का दौर भी चलेगा। अगली बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पर जबलपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, बोले मध्य प्रदेश में नहीं माफिया राज है और ना ही अफसरशाही हावी है। अभी तक जो भी भाजपा विधायक नाराज थे, उनकी नाराजगी को संगठन स्तर पर दूर कर लिया गया है। मोहन यादव के नेतृत्व में अच्छी गवर्नमेंट की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में इन दिनों बिजली कंपनियां घर घर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 10 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। इसी बीच 8 अक्टूबर को जबलपुर में बिजली कंपनी का रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश कोरी स्मार्ट मीटर टैपरिंग गिरोह चलाते हुए पकड़ा गया। अगली बड़ी खबर है सागर से, जहां पर सागर में शनिवार को दशहरा पर्व मनाया गया। नगर निगम द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी PTC ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम शाम 6 बजे से राधे राधे संकीर्तन के साथ शुरू हुआ और शाम 7 बजे रावण दहन किया गया। अगली बड़ी खबर है रतलाम से, जहां पर रतलाम में नवरात्रि के अंतिम दिन शुक्रवार रात को गरबा पंडालों में जमकर रंग गुलाल उड़ाई गई। माँ अम्बे की भक्ति में देर रात तक गरबा रास का आयोजन हुआ। शहर के स्टेशन रोड नवयुवक मंडल ने 11 क्विंटल फूलों से 15,000 स्क्वायर फीट में आकर्षित रंगोली भी बनाई। अगली बड़ी खबर है मुरैना से, जहां पर दशहरा पर्व के अवसर पर शनिवार को मुरैना पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद शिवमंगल सिंह तोमर थे, उनके साथ में सवलगढ़ विधायक सरला रावत और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर घपला करने के लिए एक अधिकारी ने खुद की पोस्टिंग निचली पोस्ट पर कर ली, इसका ऑर्डर भी खुद से निकाला। यह पूरा खेल इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले से जुड़ा है। करप्शन के इस केस में ऑडिटर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर अनिल गर्ग, समय सिंह परमार और रामेश्वर परमार के खिलाफ केस दर्ज है। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में दशहरे के मौके पर शनिवार को मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री अलग अलग जगह पर शस्त्र पूजन कर रहे हैं। भोपाल में नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में डिप्टी CM जगदीश देवड़ा, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, मेयर मालती राय और पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चोरी मिश्रा ने शस्त्र पूजन किया। अगली बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर वेबसीरीज तांडव से जुड़े विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया। सैफ अली खान, डिंपल कपाडिया, सुनील गोवेर जैसे चर्चित अभिनेताओं ने इस सीरीज में अभिनय किया है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इस सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए देश भर में FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब न्यायालय ने केस खत्म कर दिया है। दोस्तों, यह थी आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों को सुनाई। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से क्या कुछ नया अपडेट आता है। वह तमाम खबरें हम आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार। बहुत ही जल्द मिलते हैं मध्य प्रदेश के न्यू अपडेट के साथ।